नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उमरिया पाली में विद्युत विभाग के आउटसोर्स के कर्मचारी से मारपीट, परमिट लेकर बंद की गई लाइट को चालू करने के लिए सब स्टेशन पर पहुंचा था दादो। खबर मध्य प्रदेश उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली की है। बता दें बीते 4 जून को पाली बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी समीर साह पिता मुस्तफा शाह निवासी वार्ड नंबर 12 झिरिया मोहल्ला जो कि 33/11 केवी केंद्र सब स्टेशन बिरसिंहपुर पाली में आउटसोर्स सब स्टेशन में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। बीते 4 जून को रात्रि लगभग 9:45 पर लाइनमैन सत्येंद्र महोबिया के द्वारा 11 केवी बस स्टैंड का फीड परमिट लिया गया था। इस दौरान राकेश पांडे उर्फ दादू जो कि निवासी वार्ड नंबर 12 झिरिया मोहल्ला बिरसिंहपुर पाली निवासी है, इनके द्वारा सब स्टेशन का गेट पार कर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर ऑन ड्यूटी ऑपरेटर समीर शाह से जबरदस्ती 11 केवी परमिट लाइन को चालू करने को कहने लगा। समीर शाह ने कहा परमिट की लाइन किसी भी कीमत पर चालू नहीं की जा सकती है। इतने में ऑन ड्यूटी ऑपरेटर के लाइट चालू मना करने के बाद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर मारपीट करने लगा और पुनः मारने की धमकी देने लगा। वहीं इस संबंध में समीर शाह ने तत्काल डायल 100 को सूचना दर्ज कराया था। इस मामले को लेकर थाना पाली SDOP शिवचरण बोहित ने बताया कि वार्ड नंबर 12 निवासी राकेश पांडे उर्फ दादू जो कि पाली के सब स्टेशन में परमिट ली गई लाइट को चालू करने को कहा, जिसको चालू नहीं किया गया तो उसके द्वारा आउटसोर्स के कर्मचारी समीर शाह से गाली गलौज कर मारपीट करने लगा, जिसको लेकर मामला समीर शाह की ओर से मामला पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। रहने वाले क्या काम करते हो आप? मेरा नाम समीर शाह है, वार्ड नंबर 12 झिरिया मोहल्ला का निवासी हूँ। कहाँ पे काम करते हैं आप? 33/11 के भी सब स्टेशन बिरसिंहपुर पाली में ऑपरेटर के पद पर आउटसोर्स में पदस्थ। क्या कुछ मामला हुआ था? 4 तारीख को लगभग रात्रि 9:40 में हमारी लाइन परमिट हुई बस स्टैंड फीडर 11 की भी, तो एक आदमी आया, उसका नाम है दादू पांडे करके जी। वो आके हमारा गेट कूद कर और आके गाली गलौज करने लग गया कि एक फीडर ही बंद क्यों होता है, दूसरा फीडर क्यों बंद नहीं होता है, और सब गाली दिया। इसके बाद गाली देते हुए बोला कि लाइन चालू करो, फिर मारपीट करने लग गए। इतना तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे की है? जी, थाना पाली में। ठीक है, कितने बजे रात की घटना थी ये? 9:45 की घटना है, 9:40 में लाइन बंद हुई थी जी, 10 मिनट में चालू भी हो गई। और कहाँ कार्य थे, क्या काम? जायसवाल जी, मैं जेई हूँ यहाँ का प्रभारी जी। पाली बिरसिंह पाली का जी। ये जो आपके आउटसोर्स कर्मचारी के साथ क्या कुछ विवाद, क्या मामला हुआ था? दिनांक 4 को 9:30 करीब की घटना है। जैसा स्टाफ ने जानकारी दिया कि 11 के वी लाइन परमिट पे थी और कोई दादू राम पांडे करके यहीं झिरिया मोहल्ला के निवासी हैं, वो प्रतिबंधित क्षेत्र सब स्टेशन में बाउंड्री कूद कर घुस गए और स्टाफ से मारपीट की और मारपीट करके दबाव डाल रहे थे कि परमिट वाली लाइन है उसके भी चालू करो चाहे जो भी हो, तो स्टाफ द्वारा चालू नहीं किया गया क्योंकि लाइन में परमिट की थी, इसलिए उसके साथ मारपीट की गई है। उसकी जानकारी स्टाफ ने मुझे दिया है और मैं थाना प्रभारी महोदय को आवेदन लिख रहा हूँ कि उस कर्मचारी की उस जो अपराधी है, अपराधी किस्म का आदमी है, इस तरह की घटना की है, उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, पाली सब स्टेशन में आउटसोर्स कर्मचारी से के मारपीट करने का मामला सामने आया है, क्या है पूरी जानकारी, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ये एक्चुअली जो उप स्टेशन पाली का है तो वहाँ बिजली मरम्मत का कार्य चल रहा था किसी लाइन पे, तो बकाया परमिट लेके लाइट बंद की गई थी और लाइट जाने से नाराज होकर दादू पांडे जो पास में ही रहते वो लाइट चालू करवाने सब स्टेशन गए थे, वो लाइट चालू करने का कह रहे थे और जो आउटसोर्स जो कर्मचारी था समीर शाह उसने कहा कि परमिट लिया गया है, जब काम पूरा हो जाए तो लाइट चालू करेंगे। इसी बात से नाराज होकर दादू पांडे ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की थी। समीर शाह की रिपोर्ट पे थाना पाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है और प्राप्त साक्ष्य के अनुसार विधायक कार्रवाई की जा रही है।